subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. Results की तरफ चलते हैं. सबसे पहले जो है वो आज result नाउस हुआ है वो डॉलमन सिटी का था. थर्ड क्वार्टर का इनका रिजल्ट था. थर्ड क्वार्टर में 31 पैसे की अर्निंग आई है. पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 37 पैसे की अर्निंग थी. तो ओवरऑल 9 मंथ की जो इनकी ईपीएस है वो 1.85 रुपये है. पिछले साल 2.18 रुपये की अर्निंग थी. पे आउट में इन्होंने 33 पैसे का जो है वो डिविडेंड अनाउंस किया है. नेक्स्ट कैपिटल का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था. थर्ड क्वार्टर में 34 पैसे की अर्निंग दी है. पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 12 पैसे की अर्निंग थी. तो ओवरऑल 9 मंथ की जो इनकी ईपीएस है वो 1.14 रुपये है. पिछले साल 63 पैसे की अर्निंग थी. अब पे आउट इन्होंने भी कोई अनाउंस नहीं किया. एमसीबी आरएफ अवीव सेविंग का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था. थर्ड क्वार्टर में 1.07 रुपये की अर्निंग आई है. लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में इनका 31 पैसे का लॉस था. तो ओवरऑल 9 मंथ की जो इनकी ईपीएस है वो 4 रुपये की है. पिछले साल 1.77 रुपये की अर्निंग पे कंपनी खड़ी थी. पे आउट इन्होंने भी अनाउंस कोई नहीं किया. एफएफएलएम का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में 2 पैसे की अर्निंग आई है. लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में 5 पैसे का लॉस था. तो ओवरऑल 9 मंथ की जो इनकी अर्निंग है वो 6 पैसे पर शेयर है. पिछले साल 5 पैसे का लॉस पे चल रही थी कंपनी. पे आउट जो है इन्होंने भी कोई अनाउंस नहीं किया. ईपीसीएल और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का भी जो है आज रिजल्ट्स थे. कल जो है वो मंडे वाले दिन ये प्री ओपनिंग में अनाउंस किए जाएंगे.